हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल है। थ्योरी सेशन डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हल कराया गया है एंड 79 ऐसी वीडियोस का मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस बीपीएससी टीआई 2 में कराया हुआ है चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का, तो वहां पे जरूर जाके प्रैक्टिस कीजिए। एंड दोस्तों, 2024 फिजिकल एजुकेशन ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए यह 80वां प्रैक्टिस सेट है। 80 प्रैक्टिस सेट हो गए, ये 80वां है दोस्तों। एंड आपका जो एग्जाम है बीपीएससी टीआई 3 का डेट आ ही गया है 27, 28, 29, 30 जून को। तो अब आप एक एक दिन को महत्वपूर्ण समझिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, बॉल को कैच लेते समय खिलाड़ी हाथों में बॉल के स्पर्श होते ही वह हाथों को बॉल की दिशा में नीचे की तरफ खींचता है, यहां पर मुख्य रूप से न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? तो दोस्तों, जिस दिशा में वो जा रहा है बॉल, उसी दिशा में जा रहा है, पलट कर वापस तो आ नहीं रहा है, तृतीय नियम होगा नहीं, तो यह कौन सा नियम होगा? संवेग का नियम, त्वरण का नियम यानी द्वितीय नियम। ठीक है, न्यूटन ने तीन गति का नियम 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया, और पहले नियम को जड़त्व का नियम, जिसे जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो का नियम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नियम संवेग का नियम, जिसे त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम आदि नामों से जाना जाता है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ काउंटर फोर्स, लॉ ऑफ प्रिंसिपल रेसिप्रोकल एक्शन आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? तो आप सबको पता है संवेग का नियम, वही जस्ट मैं तीनों को बताई हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमकेएस प्रणाली का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, एमकेएस प्रणाली का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड, ऑप्शन नंबर ख राइट होगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस का पूरा नाम है सेमी ग्राम सेकेंड, एमकेएस का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड एंड एफपीएस का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथों को फ्रंटल प्लेन में, फ्रंटल प्लेन क्या करता है? शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है। हाथों को फ्रंटल प्लेन में शरीर से दूर ले जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, शरीर से दूर ले जाना हाथों को एब्डक्शन कहलाता है और शरीर के पास ले आने को एडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, फॉर्टेक विधि का प्रयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? तो आप सबको पता है सहनशीलता को विकसित करता है, और फॉर्टेक प्रशिक्षण जो है 1937 में गोस्टाव होमलर ने खोजा था सहनशीलता डेवलप करने के लिए। और फॉर्टेक शब्द जो है स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी स्पीड प्ले, और यह बिना पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है। नेक्स्ट है, सहनशीलता को विकसित करने वाली उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें अभ्यास को उच्च तीव्रता यानी हाई इंटेंसिटी तथा पूर्ण क्षतिपूर्ति कंप्लीट रिकवरी के अंतराल पर दिया जाता है? तो दोस्तों, पूर्ण रिकवरी दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अधूरी क्षतिपूर्ति अनकंप्लीट रिकवरी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में दिया जाता है, जबकि पूर्ण क्षतिपूर्ति कंप्लीट रिकवरी दिया जाता है रिपीटेशन मेथड में। किसमें दिया जाता है दोस्तों? रिपीटेशन मेथड में। याद रखिएगा, अधूरी क्षतिपूर्ति यानी कि अनकंप्लीट रिकवरी इंटरवल मेथड में, ट्रेनिंग मेथड में, और पूर्ण क्षतिपूर्ति यानी कि उच्च तीव्रता होती है और कंप्लीट रिकवरी होती है रिपीटेशन मेथड में, और बिना प्रॉपर प्लानिंग, बिना पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है फॉर्टलेग मेथड, और पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है वेरिएबल मेथड। याद रखिएगा, जो सहनशीलता को डेवलप करने की चार विधियां हैं मुख्य रूप से कंटिन्यूअस मेथड, रिपीटेशन मेथड, कंपटीशन मेथड एंड
कॉन्टिन्यूस इंटरवल रिपीटेशन कंपटीशन। इसमें से कॉन्टिन्यूस में स्लो कॉन्टिन्यूस, फास्ट कॉन्टिन्यूस, वेरिएबल पेस्ट मेथड एंड फॉरलेक मेथड आदि आते हैं। नेक्स्ट है बैलिस्टिक विधि का प्रयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों बैलिस्टिक, स्टैटिक, डायनामिक, पीएनएफ मेथड, ये सभी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचकता को विकसित करने की विधियां हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हृदय दर यानी हार्ट रेट मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आप सबको पता है स्टेथोस्कोप कहा जाता है। गोनियोमीटर लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है। नेक्स्ट है निम्न में से मनोरंजन का भाग नहीं है। तो खेलकूद है, प्रतियोगिता है, उत्साहवर्धक है, बट संघर्ष नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शारीरिक क्षमता वाली मनोरंजन क्रिया है। तो दोस्तों शतरंज, कैरम, लूडो ये सब बैठ के मनोरंजन पूर्वक किया जाता है, जबकि टेबल टेनिस शारीरिक क्षमता लगता है। नेक्स्ट है खाली समय का सदुपयोग करने हेतु जो क्रियाएं की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों तो उसे हम मनोरंजन क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां कौन सी हैं। तो सिनेमा, सर्कस एंड प्रदर्शनियां ये सभी मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं। और मनोरंजन की शासकीय एजेंसियों में NCC, NSS आदि हैं। स्वयंसेवी मनोरंजन में YMCA, YWCA आदि आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन है। तो शिक्षण संस्था एक संस्था है, तो यह संस्थागत मनोरंजन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है विद्यालयों में मनोरंजन के क्या साधन है। तो विद्यालय में खेलकूद भी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, साहित्यिक कार्यक्रम भी होता है, उपरोक्त सभी साधन है। नेक्स्ट दोस्तों फिजियोथेरेपी नाम शब्द में थेरेपी का क्या तात्पर्य है। फिजियोथेरेपी यानी फिजियो मतलब शारीरिक, थेरेपी मतलब चिकित्सा, तो यहाँ पे थेरेपी से तात्पर्य हो जाएगा चिकित्सा। फिजियोथेरेपी का मतलब शारीरिक चिकित्सा। नेक्स्ट है दौड़ते या खेलते समय अचानक से पेट के या डायफ्राम पेशी के नीचे निचली मांसपेशियों में तीखा दर्द उठता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे हम स्टीच बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टीच बोलते हैं। एंड यहाँ पे स्प्रेन क्या होता है, लिगामेंट जो जोड़ों पर दोनों दो हड्डियों को जोड़ता है उसमें अत्यधिक खिंचाव हो जाने से स्प्रेन यानी मोच होता है। स्ट्रेन क्या होता है, तो मांसपेशी या टेंडन के अत्यधिक खिंचाव या चोट लगने से स्ट्रेन यानी कि खिंचाव होता है। रगड़ क्या होता है, ऊपरी त्वचा छिल जाना रगड़ होता है, एवरेजन। नेक्स्ट है डोप परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है। तो दोस्तों डोपिंग परीक्षण के लिए यूरिन और रक्त दोनों का नमूना लिया जाता है। जब यूरिन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो रक्त का भी लिया जाता है। नेक्स्ट है डिसलोकेशन नामक चोट शरीर के किस अंग की चोट है। दोस्तों डिसलोकेशन जो होता है वो जोड़ों पर से, जैसे कि हमारे कंधा है, कंधे के जोड़ जो है अपने स्थान से खिसक के दूसरे स्थान पर चला जाता है। डिसलोकेशन यानी कि स्थान भंग, अपने स्थान से खिसक जाता है, ये जोड़ों का चोट है। नेक्स्ट है फुटबॉल खेल में सबसे अधिक चोट शरीर के किस अंग में लगती है। तो दोस्तों फुटबॉल खेल में सबसे अधिक टखने यानी कि एंकल में लगती है चोट। नेक्स्ट है एक खिलाड़ी को लगभग खेल से कितने समय पहले अपना भोजन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी एक्टिविटी या खेल खेलने से पहले 3 घंटा पहले अपना भोजन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है पसली की हड्डी टूटकर फेफड़ों में घुस जाए तो वो कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा। तो दोस्तों यह फ्रैक्चर कहलाएगा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर यानी जटिल अस्थि भंग, ठीक है। यहाँ पे आपका साधारण फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी टूट जाती है बट चमड़ी फटती नहीं है, उसे साधारण फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। अब मिश्रित फ्रैक्चर किसे कहते हैं, मिश्रित या इसे कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, जो हड्डियाँ टूट जाती हैं प्लस चमड़ी से बाहर भी निकल जाती हैं। एंड यहाँ पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर किसे कहते हैं,
जब रोगग्रस्त हड्डी पर हड्डी का छोटे से आघात लगने के कारण टूट जाता है तो उसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, खिलाड़ी एर्गोजेनिक एड्स यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले साधन के प्रति आकर्षित कैसे होता है? तो आजकल यही है, रेडियो विज्ञापन एंड टेलीविजन के विज्ञापनों द्वारा, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट है, उपचारकीय रूपात्मकता यानी पुनः स्थापना यानी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस भी क्या होता है? अगर चोट लग गया तो पुनः पहले वाले स्थिति में आने को ही रिहेबिलिटेशन या पुनः स्थापना कहा जाता है, जिसके लिए प्राथमिक चिकित्सा पद्धति RICE पद्धति अपनाया जाता है, उसके बाद फिजियोथेरेपी आदि क्रियाएं की जाती हैं। तो पुनः स्थापना के लिए तीन विधियां होती हैं, एक आपका होता है करेक्टिव एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी एंड मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण। तो यहाँ पे क्या सहायक है? तो चोटिल अंगों की कार्य क्षमता को पुनः सक्षम करने में एंड चोटिल अंगों की पीड़ा को कम करने में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा G1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, कोल्ड स्प्रे जो चोट लगने के तुरंत बाद लगाया जाता है उसमें इथाइल क्लोराइड एंड मीथेन दोनों गैस भरा रहता है, तो ख और ग दोनों यहाँ पे राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से भार वर्ग वाला खेल कौन सा है? तो दोस्तों, ये बॉक्सिंग होता है, कबड्डी होता है, कुश्ती होता है, जूडो होता है, सभी भार वर्ग वाले खेल होते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। आपको पता है इसको कई नामों से जाना जाता है, इन सभी नामों को आप याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। ठीक है, जड़त्व के नियम को जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो का नियम आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से जोड़ों की गति कौन सी गति है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट है, यह जोड़ों की गति है, चल संधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में अक्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, अक्ष और तल यानी प्लेन और एक्सिस दोनों तीन तीन होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3। जैसे कि प्लेन यानी तल जो होते हैं, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल होता है। जो सेजिटल प्लेन होता है उसको लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं, जो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, और गति आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट। और दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जिसे क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं। फ्रंटल प्लेन शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है और गति दाएं बाएं जैसे कि एब्डक्शन एडक्शन मोमेंट होता है। तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है, इसमें सभी रोटेशन एलिवेशन मोमेंट्स होते हैं। और जिस बिंदु पर तीनों प्लेन मिलते हैं उसे सीजी पॉइंट यानी सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट या कॉर्डिनल पॉइंट कहते हैं। इसी तरह एक्सिस भी तीन होता है, फ्रंटल, सेजिटल एंड वर्टिकल। नेक्स्ट है, दूरी बट्टा समय से क्या ज्ञात किया जाता है? चाल। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बट्टा समय। नेक्स्ट है, उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है? तो जिस बिंदु पर संपूर्ण भार केंद्रित होता है उसे गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। ठीक है, सीजी पॉइंट, गुरुत्व केंद्र या कार्डिनल पॉइंट कहा जाता है। और गुरुत्व केंद्र जो होता है, जितना नीचे होगा संतुलन जो है उतना ही अच्छा होगा। महिलाओं का जो गुरुत्व केंद्र सीजी पॉइंट होता है, पुरुषों से नीचे होता है। नेक्स्ट, उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें शरीर की गति, मांसपेशीय विश्लेषण आदि के साथ भौतिक यांत्रिक विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं? दोस्तों, पढ़ते ही आप सही आंसर दे दिए होंगे, यह जैव यांत्रिकी विज्ञान यानी कि बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, उस योग्यता को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने के तुरंत पश्चात प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया करती है?
उसे दोस्तों रिएक्शन टाइम यानी कि रिएक्शन एबिलिटी यानी प्रतिक्रिया योग्यता कहते हैं। जैसे कि 100 मीटर दौड़ में बंदूक की आवाज़ सुनते ही तुरंत रिएक्ट करना और दौड़ स्टार्ट कर देना, ये प्रतिक्रिया योग्यता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अभ्यास करने के पश्चात क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों हम कोई भी अभ्यास करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा हार्ट रेट होता है, अब नॉर्मल कंडीशन में हार्ट रेट 72 बार होता है और हमारा जो श्वसन दर होता है वह 12 से 20 बार होता है। जब हम कोई एक्टिविटी या कार्य करते हैं उस कंडीशन में हमारा हार्ट रेट जो है 180 तक पहुंच जाता है और जो हमारा श्वसन दर होता है 40 से 50 तक पहुंच जाता है। और जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा हार्ट रेट होता है, हृदय धड़कने की दर 40 से 50 हो जाती है और श्वसन दर 8 से 10 हो जाती है। तो इस कंडीशन में हृदय बड़ा व मजबूत हो जाता है। हृदय दर यहाँ पे बढ़ता नहीं है दोस्तों, घट जाता है, ठीक है, यानी कि कम हो जाता है। तो यहाँ पे केवल ए आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर स्थित स्थान पर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर क्यों प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल की कमी भी होती जाएगी। यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण और गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण एक और दो दोनों राइट होगा, ऑप्शन नंबर दो यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, 5 किलोमीटर साइकिल चलाने से क्या विकसित होता है। दोस्तों 45 सेकेंड से 2 मिनट के बाद जितने भी क्रियाएं होंगी वो सभी सहनशीलता यानी एरोबिक एक्टिविटी में शामिल होंगी। तो यहाँ पे सहनशीलता आपका विकसित होगा। नेक्स्ट दोस्तों, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो आप सबको पता है स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंडर रूट 5 का मान क्या होगा। तो अंडर रूट 5 का मान 2.23 होगा, निकाल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, भाले को किस कोण पर फेंका जाए जिससे कि वह अधिक दूरी तय करे। तो दोस्तों चाहे गोला फेंक हो, भाला फेंक हो, ये सभी 45 डिग्री पर फेंका जाता है। किसी भी वस्तु को 45 डिग्री पर फेंका जाता है तो अधिकतम दूरी तय करती है। यदि 90 डिग्री पर फेंका जाएगा तो कोई भी दूरी तय नहीं करती है। ये प्रोजेक्टाइल के नियम के आधार पर कहा जाता है। यहाँ पे 45 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की 1 मिनट में श्वास दर औसतन कितनी होती है। दोस्तों तो 12 से 20 बार होती है। जब वो एक्टिविटी करता है, कोई एक्सरसाइज करता है तो 40 से 50 हो जाता है। जब वो प्रशिक्षित हो जाता है तो 8 से 10 बार हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र में पंचर क्या है। तो पंचर एक प्रकार का चिकित्सा शास्त्र में घाव है जो नुकीली वस्तु चुभ जाती है त्वचा में, उसे क्या कहते हैं, घाव कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, गुंबद क्या है। तो गुंबद एक बहुत भारी पदार्थ या वस्तु से एकाएक चोट लग जाना, जिसे नीला चमड़ी के नीचे पेशी में रक्त जम जाता है और नीला पड़ जाता है, तो इसे गुंबद कहते हैं। तो एक प्रकार का चोट है। नेक्स्ट है, डायथर्मी क्या है। तो दोस्तों डायथर्मी जो है एक प्रकार का विद्युत चिकित्सा विधि है। तो यहाँ पे चिकित्सा विधि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, कार्टिलेज क्या है। जैसे कि कार्टिलेज यानी कि जो उपास्थि होती है, कोमल होती है, मुलायम होती है, तो यह प्रकार का मुलायम ऊतक है। नेक्स्ट है, सर्कमडक्शन क्या है। सर्कमडक्शन क्या है। दोस्तों सर्कमडक्शन जो है जोड़ों की गति है, सभी रोटेशन इलेवेशन मूवमेंट्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट है, वार्म अप कब किया जाता है। आप सबको पता है कोई भी एक्टिविटी या खेल खेलने से पहले वार्म अप किया जाता है, जिसे मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ सके, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके, जिसे ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता बढ़ सके और जिसे चोट कम आती है, और खेल के पश्चात कूलिंग डाउन किया जाता है। नेक्स्ट है, मंद और तीव्र विधि संबंधित है। तो दोस्तों सहनशीलता डेवलप करने की 4 विधियां होती हैं, कंटिन्यूअस इंटरवल, रिपीटेशन एंड कंपटीशन मेथड। जिसमें से कंटिन्यूअस मेथड में फास्ट कंटिन्यूअस मेथड, स्लो कंटिन्यूअस मेथड एंड वेरिएबल पेस मेथड एंड फॉर्टलिक मेथड होता है।
तो जो मंद अतिव्यय विधि होती है उसे वेरिएबल पेस मेथड कहते हैं, और यह पूर्व नियोजित ढंग से सारी क्रिया मंद अतिव्यय गति से लंबे समय तक किया जाता है। तो इससे सहनशीलता डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? सहनशीलता, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, ट्रैक में दौड़ किस दिशा में होती है? तो ट्रैक में दौड़ हमेशा बाईं ओर घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट है, हवा का वेग किससे मापा जाता है? तो हवा का वेग विंड गेज से मापा जाता है। विंड गेज से हवा का वेग मापा जाता है, और विंड गेज से हवा की दिशा मापा जाता है। दोस्तों, हवा का वेग जो है, स्पोर्ट्स में हम बात करें तो हवा का वेग हमेशा 100, 200 मीटर दौड़ एंड 100 मीटर और 100, 110 मीटर बाधा दौड़ और लंबी कूद और ट्रिपल जंप में मापा जाता है। इसमें 100, 200 मीटर दौड़ में 10 सेकेंड तक का हवा का वेग मापा जाता है, और 100, 110 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकेंड का हवा का वेग मापा जाता है, और लंबी कूद और ट्रिपल जंप में 5 सेकेंड का हवा का वेग मापा जाता है। ये क्वेश्चन UPTGT 2021 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से कौन सी प्रबंधन की पद्धति नहीं है? तो मैनेजमेंट की पद्धति इसमें कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे क्लासिकी सिद्धांत है, नो क्लासिकी सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है, बट व्यवस्थित विश्लेषणात्मक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन है, प्रत्यायोजन डिलीगेशन है, संप्रेषण कम्युनिकेशन है, बट अतिव्यापन ओवरलैपिंग नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, सभी मिलकर हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।